ये वहाँ का ऐसा है ना, एकदम शांत है। ओहो, मूड भी ठंडा है, चाय है, वायलिन और साइड में आप म्यूजिक सुन रहे हो। वेलकम टू माय हॉस्टल। अपने फ्रेंड के रूम में आई हूँ पर वो है नहीं, देखो उसका बेड खाली है। इग्नोर दिस इज द हॉस्टल रूम। सो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ पे। तेरा ये गोल रोटी है? ये वाला नहीं, ये तो उसके बाद है। ये इसका गोल रोटी है। पागल, ये मेरे बिज्जत नहीं होती। ये इसका गोल रोटी है। ठीक है, एक बार और दिखा दे। एक तो तू मेरे किचन में घुसे बिना परमिशन लिए, ऊपर से ये बदतमीजी कर रही है तू। गोल रोटी ऐसा होता है, ऐसे होते जब घर में, एटलीस्ट बनाई हूं, ऐसे होते जब घर में कोई सिखाते भी खाते नहीं है। मेरा नेपाल का मैप बनेगा तुमको पता है? मुझे पता है नेपाल का मैप। देखो ना तो इससे ऐसा ऐसे ज्यादा ऐसे ऐसे है, इसलिए बोल रही हूँ, है ना। लेकिन तुम ये पराठा बना रही हो, पता नहीं क्या बन रहा है, जो बन रहा है खा लेंगे, अभी नहीं खाऊंगी। चाय पीते हैं खैरुज। मैं हम सोच रही थी कि अभी थोड़ा टाइम में चले जाते हैं, 10-11 बज जाते हैं। मैं चेंज कर कितने देर में ठीक है? नहीं भूल, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी तेरे साथ चाय। ठीक है, ये हमारा एक फ्लोर है, ये हॉस्टल में जा गए। खैरुज आ गई, मैं आ गई। आजकल तो पर कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ब्लॉग बनाने लगी है। आजकल मैं ऐसे हो गई, बिल्कुल अनफिल्टर्ड ब्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नो फिल्टर्ड ब्लॉग नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन। नाउ शी दैट मींस शी इज एक्टिंग दैट शी यूज्ड टू यूज फिल्टर। या बिकॉज़ वो नया शुरू कर रही थी ना, इसीलिए। तो ये हॉस्टल का जुगाड़ है इनके पास। हमारे पास जब दूध नहीं होता है तो हम यही पाउडर से बनाते हैं। और आज मैं मुझे या तो खैरुज मार देगी या फिर मैं मर जाऊंगी सुसाइड। खैरुज जहान अख्तर, तुम्हारा पूरा नाम और एड्रेस भी बोलेंगे हम यहाँ पे। बोलो। ये देखें ऐसे बनते हैं, ये देखें ऐसे होता है चाय पानी में दूध डाल के। छी, इग्नोर द बैकग्राउंड, ऐसे होता है हॉस्टल। मैं आऊंगी तेरे साथ। कहाँ है तू? ये बोल रही थी मैं भी बनाऊंगी चाय। इसका चाय बनाने का मतलब है ये ब्लॉग बनाएगी। नहीं, मैं भी चाय बना रही। देखो मैं बता रही हूँ चाय। अच्छा था, पर ये चाय हम बना रहे हैं, मतलब कि बनाऊंगी, मतलब कि कंपनी रूम, मतलब अभी ये मैंने निकाल लिए, अभी इसमें डालेंगे, मतलब कि कंपनी दी वो कंपनी दी बन गई हो, कंपनी दी वो बुझते सो बुझते हो। बना देना, बहुत खटिया लगता है। ई छी, इग्नोर आवर। तू भी तो अच्छी, कितनी क्यूट लग रही है ना, सो क्यूट, सो वेरी क्यूट गर्ल। आई नो हर सिंस चाइल्डहुड। देखो कितना स्टैंडर्ड है आपके हॉस्टल में, ऐसा है। देखो आपके हॉस्टल में ऐसा है, मेरा हॉस्टल में इतना स्टैंडर्ड। देखो आप क्या हंसोगे मेरे हॉस्टल को। क्रेडिट है, देख रहे हो ये लड़की चीनी इतना खाती, इसके लिए वजह से मुझे भी चीनी खाना पड़ जाता। इग्नोर, ये झूठ बोलने का कोई तरीका। उसका मुंह देखो, लग रहा है मुझे मार ही देगी किसी ने। देखो ये चाय देख रहे हो, चेक रहे हो इसका जो वो खदक रहा है ना। चाय इज लव, चाय तो हमारा दिल जान आत्मा शरीर सब है, ये फ्यूल है, फ्यूल। स्पेशली व्हेन इन एग्जाम, है ना। बाप रे खटक गया। वाव, ये आग दिख रही, कितना अच्छा आ रहा था अभी। थैंक यू खैरुज। दिस इज अवर चाय पार्टी, ये हॉस्टल में है। देख रहे हो आप लोग कितना टेस्टी और यमी चाय है, आप देख रहे हैं। सो ये लड़की है खैरुज। Come, let's have this चाय। आओ चाय पी लेते हम लोग।
काम चाय पारी चल। अब तुम मुझे पहले प्रॉमिस करोगी, क्या बोलो तो? कल बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। प्रॉमिस कल चलेगी? बोल तो रही हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग देखिए, अगर मैं गई तो इस ब्लॉग के बाद और ब्लॉग आप देख पाएंगे, और अगर मैं नहीं गई तो इस ब्लॉग के बाद आप कोई ब्लॉग नहीं देख पाएंगे, मतलब इसके साथ कुछ ऐड नहीं होगा। हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है ना कि हम लोग अब ब्लॉग कर सके। बैच सेम नहीं इधर है। वही ना, मेन बात तो यही है कि हमारा बैच ही सेम नहीं है। और ये जो लड़की है ना, एक इतनी बिजी है। हाँ हाँ, बिस्किट खाएंगे ना। ये जो एक लड़की है ना, इतनी बिजी है। तुम बिजी हो? हाँ, ये जो लड़की है ना इतनी बिजी है। सी यहाँ पे वाइट वाइट बिस्किट कितना सुंदर है। इतनी बिजी लड़की है कि एकदम ही मतलब कि क्या खिलाने नहीं लेके जाती है मुझे। मुझे भी बहुत पसंद है, हम भी खरीद लेके आएंगे। कुछ पता है, मैं दो तीन एक साथ खा जाती हूँ। है ना, मैं भी खा जाती हूँ। मैं तो तीन एक दिन खरीद के लेके आई थी, चार खा गई मैं। मैं ऐसे सोच रही हूँ, चार खा गए। मैं तीन खा गई थी लास्ट टाइम। मीठा लग गया ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना मीठा ज्यादा मीठा भी नहीं है, मतलब वो बर्फी नहीं होता व्हाइट वाला, वैसे वैसी फीलिंग आ रही है। बचपन में खाया करते थे तब ना, इसका ये वाला गोल नहीं था, ऐसे ऐसे टाइप का लंबा सर बोल गया। मैं भी मैं ऐसे रैंडम लेके आई थी, मैं देखती हूँ अच्छा लग रहा है, देख के जाके ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा ना जब तूने खिलाया। था तो वहाँ पर मैं नोटिस नहीं कर पा रही। तो फिर मैं बोली मैं भी लेके आऊंगी, फिर मैं लेके आया, मैं चार खा गई। कल अभी तक चल ही रहा है हमारा। कल सुबह, कल हमारा वीकेंड है। बहुत सालों बाद वीकेंड, मतलब कि वही समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो बताओ ना वीकेंड का मतलब। सबको थोड़ी पता होता है, सबको लगेगा वीकेंड का मतलब क्या। वीकेंड का मतलब फ्राइडे। हाँ मतलब कि फ्राइडे वीक का छुट्टी, समझ रहे हो? यहाँ पे वैसे ही पड़ता है, फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है। तो कल हमारा ये प्लान है, मेरा तो ये प्लान है बाबू, तो मैं सोऊंगी घोड़े बैठ के 12 बजे तक। वीकेंड के दिन तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, 12-1 बजे तक नहीं उठ सकती मैं। 12 आज तो जब छुट्टी हुई ना, तो ऐसा लग रहा था मुझे, मैं गई बिरयानी खाने। अब बिरयानी खा के आए, आने के बाद क्या हुआ कि वही वीडियो एडिट करके डाल दिया, और डालने के बाद जो पता नहीं कब आंख लग गई, और उसके बाद हम सोए घोड़े बेच के 8 बजे तक। अगर मुझे नहीं उठाता ना, तो मैं नहीं उठती, सच में कह रही हूँ। ऐसा वाला हाल हो गया था, 3 घंटे तक तो पता ही नहीं, होशी नहीं रहा, लग रहा था कहाँ पहुँच गया। बेहोश पूरा 3 घंटे पक्का, मैं शायद 5 बजे है ना, पूरा बेहोश हो गया था मैं भी। क्या क्या बोल पाए, 4 तो सोई तुम, 4 को मैं, 5 बजे सोई और 8 बजे आई देर से, मैं तो रूम में आ गई थी ना। इतना ज्यादा, कल तो और सोऊंगी, कल तो एकदम 12 बजे तक सोऊंगी। तू क्यों इसको यूज नहीं करती है जब ये तेरे रूम में? ये एक तो चलने फिरने के लिए पहले, अब तो वो नहीं घुसाएंगे ना, ऐसे बोल रहे कि वो किसी को नहीं लाएंगे, तो तू इससे बेड बना ले मस्त। इस पे तेरे तो रूम में लोग भी आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ तू बना ले। एक ये बेड है इसके रूम में, देखो यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आने वाले थे, तो हम ऐसे सोच रहे हैं इस बेड को ठीक कर ले, ताकि इस पे हम बैठ के चिल कर सके। सो आओ, वी विल मेक दिस बेड। सो देखो, ये इतना मेहनत करने के बाद हमने एक बेड था यहाँ पे, आई मम्मा, यहाँ पे एक बेड था ऐसा खड़ा था, तो इसको फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको ऐसे गिरा दिया, और गिराने के बाद यहाँ एक बेड बना दिया। देखो कैसे, क्या इसके रूम में अब दो दो बेड हो गया। तो खैर, उस तुमको कैसा लग रहा है तुम्हारे रूम में इतना सुंदर एक नया बेड आविष्कार हो गया? इतना अच्छा हो गया यार, यहाँ पे हम चिल कर सकते हैं, चिल। मैं भी नहीं चलेगा कि कौन है, लेकिन रिकॉग्नाइज करें कौन है, कौन है, कौन खैरुज और कौन है आयशा।
खैर, एक गाना गा दो मेरे लिए। मेरा ऐसे भी बहुत तुम खराब मूड लेके, इतना अच्छा मूड में लेके नहीं आई हो, मुझे गाना गाओ। पर तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जाओ तो गाना गाओ अब। चलो मेरे लिए एक कुछ भी गाओ ना, एक बार ऐसे तारा तारा। मैंने लिटरली पूरा एक शॉट लिया था, और ये लड़की ने बाद में पूरा शॉट लेने के बाद कहती है कि पूरा शॉटिंग नहीं, ऑन ही नहीं किया था कैमरा। एनीवेज, अभी हम कल मैंने बोला था ना ये मुझे ले आएगी करके, वो लेके आई है आज, पर ऐसा मूड ऑफ करा के लेके आई है, ऐसा टाइम। वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, ये बस ऐसे ही बजाते हैं। ये वहाँ का ऐसा है ना, एकदम शांत है। आप देखो हमारे इधर में इंसान एक बजा रहा है, ये वो प्ले कर रहे हैं गिटार, नहीं वायलिन है ना, वायलिन प्ले कर रहे हैं। ही पुराने गाने याद आ गया मुझे तो, कितने अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं यार। इतना अच्छा माहौल है ना, यू कैन सी, ऐसे भी साइड साइड में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऊपर से उनका, रुको मैं पहले। ओहो मूड अच्छा कर दिया मेरा तो। तुझमें रब दिखता है यारा, देखो आप यहाँ चाय के साथ, ये चाय है और इसके साथ ही अगर वायलिन मिले तो आपको कैसा लगेगा, विद कंपनी, क्यूट कंपनी, चाय के साथ वायलिन विद चाय एंड द माहौल, यू कैन सी, इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलीफ लग रहा है ना, इतना हेडेक होता है। पुटिया पुटिया वहाँ पे सामने रख, ये देखें आप, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। वर्थ है ना, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे भी ठंडा है, चाय है, वायलिन, और साइड में आप म्यूजिक सुन रहे हो, इसी की कमी थी, लग ही नहीं रहा है कि हम स्ट्रीट में बैठे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि स्ट्रीट में बैठे हैं। ये चाय तो बहुत अच्छा है यार, इसमें काजू कोकोनट चेरी सब कुछ डाला हुआ है, हमने ऑलमोस्ट इसका पूरा हल कर दिया पीते पीते। खाना खा वीडियो के चक्कर में मेरा मोबाइल अगर खींच के लेके चले गए तो मेरा हाथ खराब हो जाएगा। बेचारी को टेंशन भी है। सोच रहे होगा क्या बोलूं? अनफिल्टर्ड बना बना के कैसे, अभी तू हाथ में ले वीडियो और आगे से रख, आगे से रख, आगे से फटी से आगे से। यहाँ देखो यहाँ लोग जब इतने ज्यादा, मुझे इतना शर्म आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ तो हम अनफिल्टर्ड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं खैर को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि वीडियो कैसे क्या करते हैं। ये मुझे यूट्यूब चैनल खोलने के लिए बोल रही है, और मैं सोच रही हूँ कि इसका भी एक यूट्यूब चैनल खुलवा दूँ, है ना, आप लोगों का। ओके तो अब हम घर आ गए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट कंटेंट। टेक केयर।